आज श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों, छवि निहारो इसकी, सभी सुखदेव जी महाराज को देखने लगे। 88,000 ऋषि राजा परीक्षित सिंहासन ग्रहण करते हुए स्तुति करने लगे। आज यहां पर सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी की अब श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। सुखदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया, सभी 88,000 ऋषियों ने सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वेतपत्यादहे तवे तापत्रेय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे परमात्मा, हे संसार के कल्याण को करने वाले, संसार को जागृति दिलाने वाले, संसार को मुक्ति प्रदान करने वाले, हे सदा सच्चिदा, सच में चित्त को जोड़ने वाले, सच में चित्त को जोड़ करके आनंद दिलाने वाले परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद नंद के लाला, आपका इतना अद्भुत रूप है, इतना सुंदर रूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत पत्य, विश्व में जो उत्पत्ति करने वाला, विश्व की उत्पान पात करने वाला, विश्व को जागृत करने वाला, आदि 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 देव, आदि आदि आपने लीलाओं का वर्णन किया। हे तवे, ऐसे हरि को, आपको, तुमको विश्वेत पत्याद, हे तवे तापत्रय, सारे तापों को नष्ट करने वाले, तापों को प्रदान करने वाले, तारने वाले, संसार से पार करने वाले, विनाशाय दुष्टों का विनाश करने वाले, पापियों को संपन्न करने वाले, भक्तों को तारने वाले, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे आप जैसे कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर के बार बार नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आगे चल करके, क्योंकि समय भी 6:15 हो चुके हैं और कुछ क्षण की अभी हमारे पास कथा है, शेष भगवान भोलेनाथ का विवाह भी करना है। बड़े आनंद के साथ आगे चल करके हिरण्याक्ष 12 भगवान का युद्ध हुआ। सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं, हे राजन, हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक में पहुंच गया, भगवान ने वहां पर शुकर का रूप बनाया और पाताल में से पृथ्वी को लेकर के उन्होंने पृथ्वी लोक पर स्थापित किया, हिरण्याकश्यप को उन्होंने जय ठाकुर जी की कर दी। और महाराज आगे चल करके कर्दम देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति कर्दम ऋषि से विवाह करने के लिए जब पहुंची, वहां पे कर्दम जी ने नाना प्रकार से उनकी परीक्षा ली है, परीक्षा में देवहूति पास हो गई है। कथा तो अच्छी है लेकिन समय नहीं है, चलो सुनाई देता हूं 5 मिनट, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। जब देवहूति पहुंची तो कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, माता पिता और देवहूति 3 लोग थे, चौथे कर्दम ऋषि थे। ध्यान से सुनना, कर्दम जी को जब पता चल गया तो उन्होंने 3 आसन सामने डाल दिए, एक पिता और एक मां के लिए और एक देवहूति के लिए, चौथा अपना तो था ही। कहा, आओ ब्राजिए, अपने आसन पर स्वयं विराजमान हो गए। माता पिता 2 आसनों पर बैठ गए, 3रा आसन खाली था, चौथा वाला कर्दम जी ने डाला तो 3रा था, लेकिन अपने को मिलाया तो चौथा हो गया, तो चौथा वाला आसन खाली था। अब कहा देवी जी से, बोले आप भी विराजिए। देवती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोले महाराज आपने आसन डाला है और आपके बिछाए हुए आसन पे मैं बैठ नहीं सकती। बोले क्यों? बोले ये धर्म के विरुद्ध है, कभी भी स्त्री को पति के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए।
अब वहां तो महाराज केवल आसन की ही बात है, देवती ने आसन पे बैठने से मने कर दिया, और यहाँ तो हमारी सबरी देवती रोजीना संजाकू महाराज दिन रात रोज डबल बेड गद्दे पे चादर बदलवा में रोज बिस्तर लगवा बोले कर ना सुख। बड़ी कमाई करके आए हो वहां हैं, और कई तो बड़ी कमाई करके आए हो दिन भर एहसान कर रहा हमारे ऊपर, ढंग से चादर ना सही कर सके लगा बिस्तर पूरा की पूरा महाराज बेड ही बिस्तर चेंज हो जाए बेचारा लगा रहता है, और आकर के पत्नी जी बड़े आराम से कर रहा थे बोले हाँ बड़ा आनंद आया जी ने? बिस्तर बढ़िया करो, अरे तेरा राम भलो करे तेरो। पति दे बेचारे सुबह से शाम को आते हैं बोले सुन नहीं ना है बोले कहा है बोले अरे गिलास पानी दे रहे भाग्यवान बोले दी किनारों में काम कर रही हूँ लेना सको अपने आप पी ना सको एहसान कर रहे हो काम करके आयो नहीं हम काहे को एहसान कर रहे तू एहसान कर रही है दिन भर जो काम जो करो घर में। याद रखना लोग कहते हैं महाराज ये मॉडल जमाना है, हम कई बार लोगों के घर में जाते हैं देखते हैं सामने का बात होती है पीछे की नहीं, महाराज जी बाहर वाले कमरे में होते हैं जो गेस्ट हाउस बनाते ना रूम उसमें अंदर चलती है दोनों में दुम, जल्दी चले जाए गुरु जी तो कम से कम कंटी तो कटे, दो टाइम का भोजन खमानो पड़ेगो घर में सुबानो पड़ेगो घर की राम का तो चोर ले जाएंगे गुरु जी जा सो बढ़िया पीछे ढंग से तो लड़ूंगी अब तो मैं आदि कह रही हूँ आदि कह ना पा रही जल्दी बिना करो गुरु जी। महाराज जीवन में याद रखना लोग कहते हैं मॉडल जमाना है और दिल्ली वालों के लिए तो वास्तव में ही मॉडल जमाना है, जय हो दिल्ली वालों, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं दिल्ली वालों से कह रहा हूं, आप तो पुरानी कुंडली गांव वाले हो आपसे क्यों कहूंगा मैं, अभी कथा नहीं करनी मुझे 5 दिन और यहां। सत्य ये है देवहूति ने आसन पर बैठने से मने कर दिया, पत्नी का धर्म नहीं है ये, सच्ची धर्म पत्नी वही होती है, कहो तो सुना दूं कि नारी तो वही जो नवाए नीची नार चले हरदम बजावे पति की तावेदारी को, और कोड़ी हो कलंकी हो निर्धन वलहीनो दुख सुख सहन कर जाए खोटे बहने गारी को, पति की ना निंदा करे होले बोले धीरे चले हिल मिल के काटी डारे लाचारी को, और कहत भाई प्रति के प्रसाद सो स्वर्ग मिले जात बस ऐसी ही नारी को। ये नारी का धर्म है, धर्म पत्नी वही होती है जो इन लक्षणों पर चलती है, पति से कंधा मिलाकर के चलती है, दुख सुख में साथ देती है चाहे कुछ भी हो जाए, जो माँ बाप की सेवा करती है जो सास ससुर की सेवा करती है उससे बड़ी धर्म पत्नी कोई भी धर्म वाली नहीं होती है, वो तो पत्नी होती है जो अपने पति का भी पतन कर देती है और परिवार से माँ बाप से दूर ले जाकर के अपने ससुराल अपने माँ बाप के सामने खड़ा कर देती है, उससे बड़ा पतन करने वाला कोई पत्नी नहीं होती है। इसलिए जीवन में याद रखना अगर पतन करोगी अपने घर का और धर्म करोगी तो अपने घर का, आगे कथा आपको हरपुर मिलेगी, करना चाहिए इसलिए मां बाप से भी करना चाहिए, घर में भी अगर जरूरत पड़े सहयोग भी करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा परसों की कथा में। लेकिन ऐसा नहीं कि सास ससुर को छोड़ दो पति को भी छोड़ दो बच्चों को भी छोड़ दो लेकिन अपने घर पे जाकर के पूरे ध्यान दे दो बैठ जाओ और रात दिन बेचारे पति को न जियो न जीने दो, है ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में याद रखिए जिसने अपने परिवार का अपने स्वामी का अपने पति का सम्मान नहीं रखा वह जीवन में कभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसके घर में कभी भी संपत्ति नहीं आ सकती, उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती है, आएगी तो सही उसे लगेगा तो सही मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं लेकिन कब आई और कब कहां चली गई सुख पूरे कर पाएगी नहीं ये कोई गारंटी नहीं होगी। आज देवहूति ने तुरंत मना कर दिया बोले महाराज आपके बिछाए हुए आसन पर मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है,
पति के आसन पे कभी पत्नी को नहीं बैठना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? बोले पति ने अगर आसन डाल भी दिया है, अगर इस पति के आसन डाले हुए पर कोई भी नहीं बैठा तो मेरे पति का अपमान हो जाएगा, और अगर मैं बैठ गई तो मेरा अपमान हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? देवती ने भगवान कर्दम जी की चरण खड़ा उठाई और उठा करके उस आसन पर रख दिया, जिससे उस आसन की भी लाज रह गई और पति का भी धर्म रह गया। इसी परीक्षा में पास करते हुए कर्दम जी ने देवती से विवाह संपन्न कर लिया। एक शर्त बोली कर्दम जी, बोले हम विवाह तो कर रहे हैं लेकिन हम साधु हैं और हम सन्यासी हैं, ज्यादा दिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, अगर ये बात मंजूर हो तो शादी कर लो। देवती बोली, हम जब तक एक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी जब तक आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते, ये हमारी भी शर्त है, एक पुत्र हो जाए आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। और महाराज कर्दम जी शादी होने के बाद तुरंत ही समाधि में लीन हो गए, और समाधि में रहते ही रहते महाराज कन्या पे कन्या, कन्या पे कन्या, कन्या प्रकट हो गई, लाइन लग गई कन्याओं की। और जैसे ही समाधि खुली ना तो जाने लगे कर्दम जी। देवती बोली, रुक जाओ कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं, हमने आपसे कहा नहीं था? बोले आपको कुछ पता भी है? बोले क्या? बोले आप बूढ़े हो गए, डीमक लग गई आपके ऊपर तपस्या करते करते। बोले हैं? बोले हाँ। और बोले ये कौन है? बोले आपकी सब बेटी है। बोले हमारी बेटी? बोले हाँ आपकी तो बेटी है। बोले बेटी कब हो गई? बोले आप तपस्या में थे और बेटियां जन्म लेती रही, जीवन में याद रखना हंसने वाली बात नहीं है, पहले कभी भी ऋषियों के अंदर कभी भी किसी के यहाँ पर काम की जागृति नहीं हुआ करती थी, काम वासना से संतान पैदा नहीं होती थी, केवल शक्ति से, छूने मात्र से, शक्ति से ही, शक्ति की धर्म पर्याप्त प्रमत करते हुए संतान की प्राप्ति हो जाया करती थी। अभी नहीं जा सकते आप, आपने वादा किया था एक पुत्र होगा तभी जाऊंगा, तब जाकर के साक्षात स्वयं मेरे परमात्मा कपिल भगवान के रूप में देवती के यहां प्रकट हुए। बोली कपिल देव भगवान की जय। और महाराज कपिल भगवान ने मैया देवती को उपदेश दिया है, कर्दम जी वहां से पुनः अपने प्रस्थान कर जाते हैं, देवती ने भी भगवान को पाया और भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और इधर में आगे चलकर के एक बार दक्ष के यहां पर यज्ञ हुआ, वहां सभी देवी देवता पहुंचे और भगवान भोलेनाथ भी पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन में प्रणाम किया, दक्ष समझ नहीं पाया, तो वहां पर दक्ष ने यह कह दिया कि आज के बाद कोई शंकर को किसी भी यज्ञ में नहीं बुलाएगा। सबने कहा पहले आप अपने यज्ञ करो, आप मत बुलाना तो हम भी नहीं बुलाएंगे। सबसे पहले दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, भगवान शंकर को कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, आकाश से विमान दौड़ करके जा रहे थे। मैया सती ने कहा, बोले महाराज ये सब कहां जा रहे हैं? बोले हे देवी ये कहीं नहीं, ये आपके पिता के घर जा रहे हैं, आपके पिता के यहां कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। मैया बोली तो हमको ना बुलाए हैं? तो बोले हाँ हाँ आपके ससुर जी के यहां हो रहा है, क्योंकि देवियां बहुत होशियार होती हैं, ये नहीं कहा कि हाँ मेरे पिता के यहां हो रहा है, क्योंकि केवल मेरा हो जाएगा। बहुत जल्दी बात पलट दी मैया सती ने, बोले हाँ हाँ आपके ससुर जी के यहां यज्ञ हो रहा है। भगवान बोले हम भी तो यही कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं, हम हूं यही कह रहे हैं, लेकिन निमंत्रण पत्र हमारे लिए तो आया नहीं। मैया बोली हो सकता है ना, बहुत बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ है ना, बहुत बड़ा काम है ना स्वामी, इतने बड़े काम में शायद भूल गए होंगे, पिताजी दिमाग से उतर गई होगी, और नहीं नहीं वैसे पत्र तो भेजा होगा लेकिन रास्ते में कहीं नहीं आ पाया होगा, किसी कारणवश रह गया होगा। भगवान भोलेनाथ बोले एक बात ध्यान से सुनना, ऐसी कितनी भी बड़ी यज्ञ हो, कौन सी यज्ञ होगी, कितना भी बड़ा अनुष्ठान हो, कितनी भी बड़ी यज्ञ हो, वो कितनी बड़ी यज्ञ होगी महाराज, लोग अड़ोसी पड़ोसियों को भूल जाएं, गांव वालों को भूल जाएं,
यार दोस्तों को भूल जाए तो चल भी जाएगा, लेकिन जिस यज्ञ में बिना बहन बेटी के यज्ञ शुरू ही नहीं होता, कोई कार्य शुभ प्रारंभ नहीं होता, और वो बहन बेटी को यदि भूल जाए तो ये कोई बात हजम होने वाली नहीं होती है। देवी फिर भी मैया सती ने दबाया, क्योंकि देवियों की आदत होती है ना, माँ बाप की कभी बुराई नहीं सुन सकती। अगर महाराज गुरुजी भी घर में पहुंच जाए ना, कितने बड़े महाराज जी क्यों ना हो, अगर देवी जी की आपके घर में पहुंच जाए और आपकी देवी जी की थोड़ी पिताजी की माताजी के बारे में कुछ कहवे लग जाओ तो समझ लो भोजन में खलबली है। फिर ना मैं गुरु जी की आरती उतर रही, पैर छुए जा रहे, फिर तो जल्दी गुरु जी निकलना चाहते तो। इसलिए बढ़िया अगर भोजन चाहिए और बढ़िया महाराज व्यवस्था चाहिए तो जाते ही शुरू हो जाओ बस गुरुजी भी, हाँ देवी जी जय हो, तुम्हारे माता पिता और ये और वो, बस अपने यजमान की बुराई भले ही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, तू शांत रहियो, बैठो रही चुप बोले ठीक है गुरु जी, बस वहां की करते रहो, फिर देखो आनंद आ। आज महाराज मैया ने भोलेनाथ को समझाया, भोलेनाथ से कहा प्रभु अगर आप कहो तो मैं चली जाऊं। भगवान बोले जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ठीक नहीं होगा। मैया सती ने तुरंत पोटली बनाई और पोटली बना करके कांख में लगाई, क्योंकि महाराज बड़ी से बड़ी जो देवियां होती हैं ना, अगर इन्हें कितना भी भयंकर बीमारी हो, कितना भी बुखार आ रहा हो महाराज, खटिया में से उठ नहीं पा रही हो, चल नहीं पा रही हो, एक गिलास पानी लेकर के खुद नहीं पी पा रही हो, ये स्थिति हो, और इतने में ही अगर बालक जाकर के कहते मम्मी, बोले हाँ काना, बोले हाँ मामा आए हो, बोले कहाँ है, तुरंत बिस्तर छोड़ के खड़ी हो जाती है महाराज, कहाँ है मामा, बोले वो आएगा, ए तेईस भैया तू खुआ है, ला ला छोरी पानी लेकर जल्दी, और घर देख बाहर से बाजार से जल्दी समोसा लिया, पिताजी फोन कर दे मामा आयो। और महाराज इतने में अगर मामा ने कह दी, बोले सुन रही है एरी, बोले हाँ भैया क्या कह रहे हो, बोले रीना, बोले हाँ, बोले तो घर बुलाया मम्मी पापा ने, ले भी आया हूँ, बोले बोले हाँ, अरे महाराज फिर तो खुशी को पार ही ना रहे। पति देव जब आएंगे तब आ जाएंगे, पहले अटैची पैक है के तैयार है जावे, पति देव जो घर में आवे ना तो दरवाजे पे खड़ी मिले, बोले कहा आया, बोले भैया आयो ले आए, जा रही हूँ मैं, ठीक है खाना बना के दत्ता खा ली, कल बात करेंगे फोन पे। काके बेचारा भैया जा रही तुझा दरवाजे पे जो खड़ी मिली है, ये व्यवस्था है आजकल की, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं मैं बाहर वालों से बोल रहा हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, मैया ने अपनी पोटली बनाई और पोटली बना करके जाने को तैयार हो गई, या तो आप सती बनना, अगर आप सती हो, सती जैसा आपके अंदर गुण है, क्योंकि सती क्यों जाना चाहती अपने पति की आज्ञा को ठुकरा करके, यह भी सुन लेना, कभी भी अपने पति की आज्ञा का अनादर नहीं करना चाहिए, पति की आज्ञा को ठुकराना नहीं चाहिए। और यहां भगवान ने कहा भी है कौन सा, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। आगे हम चौका आवे तुम नहीं कह रहे थे, हम पे आवे ही ना, अगर तुम मेरे साथ गाओगे तो ही हम लोग गाएंगे, नहीं तो ब्रेक की लाइन आती हम पे तो। देखो अभी जो गाएंगी मैं बता रहा हूं, बताऊं और इस पे चुप हो जाएंगे, चाहे कितनी प्यारी तेरी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, और चाहे भैया कितना बैरी हो उसे भेद छिपाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का
नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और वो जिस जगह पे आदर भाव न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए, जिस जगह पे आदर भाव न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। हरिओ वाले जो भैया ने इनके बाद जोरदार तालियों के साथ जयकार बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ये भजन मैं यहीं बंद कर दूंगा अगर आप लोग में से कोई खड़े होकर के हाजिरी नहीं लगाओगे तो देख लो, और कथा भी आरती तुरंत हो जाएगी, नहीं तो अभी 20 मिनट की कथा है। अगर 20 मिनट का आनंद लेना है क्योंकि मेरी घड़ी से ओवर चल रहा है, ठीक है ना, तो अपनी अपनी जगह पर जो भी खड़ा होना चाहता है खड़े होकर के झूमते नाचते हुए, और कहते हैं चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए, चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए, चाहे कितनी हो चाहे कितनी गरीबी आ जाए भगवान बुलाना ना चाहिए, पिता को कभी ना सताना चाहिए, जिस पिता
बांके बिहारी लाल की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित बड़े आनंद से आज मैया ने भगवान की बात को न सुन करके अपने पिता के यहां पर पहुंची और महाराज सादर भले मिली एक माता, कोई भी इनसे मिलने को नहीं आया, सारी बहन खोटी कड़ी सुनाने लगी। क्योंकि जब कोई बहन, किसी घर में चार बहन हो और एक हो गरीब परिवार में भी आई गई हो और महाराज तीन पैसे वाली हो तो तीन की वैल्यू होती है चौथी की नहीं, और तीन जब घर पे आती है ना किसी फंक्शन में तो चौथी आती है गरीब बिचारी, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, वो तीन बहन उसको खटी कोरी सुनाती है। बोले देख जाना तो हमारे बाप की ना झांसो कटवाए दी, बिल्कुल झांसो है कैसी, बिना बुलाई आई है, कोई पत्र नहीं, कोई लेवा नहीं, कछु नहीं, वैसी चली आ रही है। तो और वो भी महाराज बूढ़े से नंदी पर बैठ करके, हम तो कितने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया विमान में आए। ये बात सुनी नहीं गई मैया सती से, आगे बढ़ गई, आगे चल करके माँ मिली, सादर भले मिली एक माता। माँ ने सारी बातें पूछी, इतने में अध्यक्ष पहुंच गए, अध्यक्ष ने दोनों को अलग कर दिया। मैया यज्ञशाला में पहुंची, यज्ञशाला में शंकर का भाग न पा करके मैया को बड़ा अपमान महसूस हुआ। अरे देवताओं, आज तुम मेरे उस प्रभु को शंकर को भूल गए। जब कोई कष्ट आता है तो तुम भोलेनाथ को याद करते हो, तुम्हें पता नहीं बिना भोलेनाथ के कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। जिस यज्ञ में भोलेनाथ न हो ना
ये रुद्र कलश क्यों रखा जाता है? रुद्र कलश भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। जिस यज्ञ में भोलेनाथ नहीं होंगे वो यज्ञ कभी संपूर्ण हो ही नहीं सकता, और यहां पर भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, तो वो यज्ञ कैसे संपूर्ण हो जाएगा? अगर किसी को हम नीचा दिखाने के लिए कोई यज्ञ करते हैं ना, उसमें हम खुद नीचा देख सकते हैं, लेकिन यज्ञ सफल नहीं होता, सामने वाला नीचा कभी नहीं देखता। मैया ने भोलेनाथ को याद किया, मन ही मन प्रणाम किया, हे मां मैं आपको प्रणाम करती हूं और मैं एक ही निवेदन करती हूं कि जब जब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आऊं तब तब केवल आपके ही चरणों की अर्धांगिनी स्वीकार करना बनूं, और मैं तो आपके चरणों की जासी हूं, जन्म जन्मांतर के लिए प्रभु आपके साथ रहना चाहती, इसलिए निवेदन है कि आप मुझे स्वीकार करें। और मैया प्रार्थना कर रही है, उसी समय मैया के शरीर से ज्वाला प्रकट होती है और एकदम से ज्वाला में अपने शरीर को भस्म करती हुई यज्ञशाला में अर्पण कर देती है। और उसी समय नंदी ने जाकर के भोलेनाथ से कहा है, भोलेनाथ महाराज बड़े आनंद के क्रोध में आकर के अपने सर को खुजाने लगते हैं, और शरीर सिरों को खुजाते खुजाते जबरदस्ती नोच करके एक बाल को खींचा और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी बीच में से चीरती हुई एक वीर प्रकट हुआ, उस वीर का नाम वीरभद्र हुआ। भगवान भोलेनाथ से का आदेश करिए, भोलेनाथ ने कहा जाओ यज्ञ का विध्वंस करके आओ। वीरभद्र वहां पहुंचे हैं, यज्ञ का विध्वंस किया है। भूखा महाराज की दाढ़ी फाड़ के स्वाहा, भृगु महाराज के दांत स्वाहा, और महाराज सभी ब्राह्मणों का अपमान किया, और दक्ष की गर्दन को, गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा था शीश को काट करके यज्ञ में सुहा कर दिया, मल मूत्र से यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सभी देवता लौट करके भोलेनाथ के पास पहुंचे, सभी ने स्तुति की। भोलेनाथ कितने भोले हैं, कितने भंडारी हैं, मैं कल की कथा में आपको बताऊंगा, कल कथा यहीं से प्रारंभ होगी। और बहुत ही हमारे भोलेनाथ भंडारी बड़े बेचारे भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोध में आते हैं। भोले की पूरी कथा आपको कल श्रवण करने को प्रारंभ होगी, 2:30 बजे करीब प्रारंभ में हम लोग भोलेनाथ से ही कथा को प्रारंभ करेंगे, और उस आगे चल करके मैया सती पार्वती के रूप में प्रकट होंगी। भोलेनाथ का दूसरा विवाह होगा, विवाह का आनंद लेंगे, और आप लोग कन्यादान इत्यादि जो भी भोलेनाथ का करना चाहें करें। उसके बाद अनेक कथाएं जो कल की हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आप लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि समय मेरे ख्याल से 7:45 हो रहा है और कथा का समय 2 से 6 है, लेकिन आप लोग 3:30 से पहले तो आते नहीं है, इसलिए कथा भी हम तो अपने समय से प्रारंभ करते हैं। तो आइए चलते हैं एक सुंदर सा भजन, और उसके बाद आरती और प्रसाद सभी लेकर के आप लोग जाएंगे।